लग गए लौड़े लग गए। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरकम और आप लोग देख रहे हैं शेफू स्पीक्स। तो भाई आज का स्टार्ट हम लेंगे आयशा करम के पापा जुनैद अकरम के तरीके से। अबे भाई पूरी दुनिया खल्ली वल्ली हो गई, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई अजीब खल्ली वल्ली माहौल चल रहा है पाकिस्तान में, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पता करने वाला नहीं है कि अभी करना क्या है और हो क्या रहा है, और जो करना था उसका असल तरीकेकार क्या था, और जो हो गया है उसको अब सही कैसे करना है। बड़ी अजीबोगरीब खबरें चल रही है पाकिस्तान में, मतलब ऐसी अजीबोगरीब बातों के साथ आया हूँ मैं आज वीडियो बनाने। तो भाई देखो सुनो समझो एंजॉय करो और मजे लो और दोस्तों से शेयर भी करो। चुप करके बैठ, जिन्नी तेरी कात है उठे रह, और वीडियो पूरी देखना ताकि मुझे अपनी मेहनत का सिला भी मिले, वरना मैं साफ साफ बोलूंगा भाई माँ चूत गई। लेकिन कुछ खबरें इतनी अजीब होती है कि वो आपको डायरेक्ट हिट करती है। इसी तरह की खबर कल हमें मिली, देखिए उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ। लग गए ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता नहीं। अजीब बबून की पिट्ठी जैसा मुंह हो गया लोगों का ये खबर सुन के कि पेट्रोल पे डायरेक्ट 10 रुपए बढ़ गए, मतलब 128 रुपए लीटर पहले था और अब 138 रुपए लीटर हो गया। और ये अजीबो गरीब काम किया है कि सियोन ने नहीं इन्होंने। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। हाँ भाई ये कारनामा हुआ पाकिस्तान में कई की तारीख में, जनाब संभली गई 5 रुपए बढ़ाने की और आगे से 10 रुपए बढ़ाने की मंजूरी दी। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। आज मेरा अब्बा जो पक्का हिमायती है नून लीग का, वो मुझे गालियां दे रहा है इस बात पे 25 जुलाई बरोज बुध सड़ी गर्मी में अपना पोलिंग स्टेशन ढूंढता हुआ लतीफाबाद गया और ख्वार होता हुआ वहां पर अपना पोलिंग स्टेशन ढूंढ के वोट डाल के आया, किसको, इनको। बेशरम आदमी, तुम्हारे 2018 की वो सड़ी हुई गर्मी मुझे आज तक याद है कि मैं इतनी मेहनत शायद अपने पेपर के लिए भी शायद कभी ना की हो जितनी मेहनत मैंने इनको वोट डाली गई, और उसकी एक वजह थी, उसकी वजह ये थी कि सिंध में भुट्टो मर के नहीं दे रहा था। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे, ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांध धोने के लिए पानी नहीं है, चड्डियों से कपड़ों से मैं पोछती हूँ, हैं? अब ये बच्चा जरा सिम से बीमार हो जाएगा, मैं कहाँ ले लेके भागूंगी बताओ मेरे को। और पंजाब में वो दो कंफ्यूजिंग गंजे काबिज थे जो कभी जियाउल्लाह का मिशन लेके चलते हैं और उसके बाद इनकलाबी हो जाते हैं। बहुत कंफ्यूजिंग, ये कौन से नशे हैं, ये कौन से नशे हैं। आजकल वो क्यों निकाले से वोट को इधर 2 तक की मुहिम पर आ चुके हैं और आगे पता नहीं कहां कहां जाएंगे भाई। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए बहैसियत अच्छे शेरी के हमने सोचा पाकिस्तान को तब्दीली की जरूरत है, इसलिए हमने वोट दिया तब्दीली सरकार को। लेकिन इस तब्दीली ने पाकिस्तानी कौम की लंगोटे कर दी गीली। भाई कोई खान साहब को बताओ जाके कितने मसले हुए हैं, घरों में पड्डे हुए हैं, संडे के संडे जो एक ससुराल का चक्कर लगता था मियां बीवी का, उसका पड्डा हो रहा है। चल मेरा पुत्र छोटी कार। बेगम कह रही है कि पेट्रोल तो 200 रुपए लीटर भी हो जाए तो भी अम्मा के घर जाऊंगी, और हस्बैंड कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल तेरे अब्बा के घर से आएगा तो ही जाएंगे वरना ना जाएंगे। निब्बे निब्बियों से मिलने नहीं जा रहे, बोल रहे हैं जितनी भी बात करनी है जितना रोमांस करना है व्हाट्सएप पे कर लो, वीडियो कॉल पे कर लो। बिलाकर लड़कियों ने लड़कों की इस परेशानी को समझते हुए ये कहा है। और सलाम है पेट्रोल पंप मालिकान को भी, ये जब पेट्रोल के रेट नीचे आते हैं तो एक एक हफ्ता पेट्रोल पंप बंद रखते हैं ताकि इनका जो नुकसान है वो पूरा हो सके, और अब जब इनको फायदा हो रहा है तो इन्होंने 1 मिनट के अंदर ही पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए। गैरत बनाने वालों की तरफ से आपके लिए भी पेशे खिदमत है 36 इंच की मल्टीप्लेक्स लानत। वो तो हजारों लीटर तुम्हारी तशरीफ के नीचे बने हुए तो नहीं, बड़े टैंक में भरा हुआ है,
उसका हिसाब किताब कौन करेगा भाई? या तुम सिर्फ कमाने के लिए रह गए? जब रेट नहीं चाहते हैं उस टाइम भी तो किया करो ईमानदारी। छोड़ो फेड़ छो। और खान साहब को कहना चाहूंगा कि भाई थोड़े बहुत जो सपोर्टर बचे हैं उनको सपोर्टर रहने दो, वरना अगले इलेक्शन में वोट कम गालियां ज्यादा पड़ेंगी। हम भी काफी अरसे से आपकी हिमायत कर रहे थे, बिल आकर हम सोचने में मजबूर हुए हैं कि अब क्या करें। और फिर अगर पेट्रोल पाकिस्तान का बांग्लादेश और इंडिया से भी सस्ता है तो क्या इंडिया और बांग्लादेश से ज्यादा सस्ता पाकिस्तान के पास आटा है, चीनी है? कुछ थोड़ा सा रहम करें, पेट्रोल पे थोड़ा हल्का हाथ रखें। खान साहब भी अजीब ही बंदा है भाई, कभी इतने बड़े बड़े फैसले करेगा, कौम फखर करेगी। अमरीका को अड्डा देने से मना कर दिया, तालिबान की हिमायत कर दी, और तो और तुर्की वर्सेस अमरीका में तुर्की के साथ खड़े हो। कभी तो इतने बड़े बड़े कारनामे करते हैं कि कौम कहती है कि हम इन पर फखर करते हैं, और जब पेट्रोल पे रेट बढ़े तो यही कौन के लिए? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये भैनचो सारे मिलके हमको पागल बना रहे, मादर चोत के बच्चे। तो ये थी आज की वीडियो, आप लोग देखो एंजॉय करो, पसंद आए तो लाइक भी करना शेयर भी करना, दोस्तों से थोड़े से मेरे व्यूज बढ़े भाई। हमको सिखा दिया। और अगर कुछ बुरा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, अगली वीडियो में अपन ख्याल रखेंगे। ठीक है, चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। You know the